मैं ऋतुबाला एस्ट्रोलॉजर एस्ट्रो फ्यूचर इनसाइट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर से सब्सक्राइब करिए ताकि आपको मेरे आने वाले जो भी वीडियोस हैं वो मिलते रहें, और अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिए ताकि आपके फ्रेंड्स भी इसका फ़ायदा उठा सकें, और अपने कमेंट्स कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज हम जिस प्लैनेट के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है मून, यानी कि चंद्रमा। चंद्रमा जो कि कर्क राशि का स्वामी है, कर्क यानी कि कैंसर। हमने देखा है कि चंद्रमा बहुत ही फास्ट मूविंग प्लैनेट है। चंद्रमा को हम मन का कारक मानते हैं। मन, क्योंकि जिस प्रकार से हमारा मन, आप देखते हैं कि बहुत जल्दी जल्दी हमारे मन के भाव होते हैं वो बदलते जाते हैं, उसी प्रकार से चंद्रमा भी बहुत जल्दी घटता बढ़ता रहता है, और हमारे मन के विचार भी उतनी जल्दी जल्दी बदलते जाते हैं। तो मन को गवर्न करता है चंद्रमा, इसीलिए इसको मन का कारक माना जाता है। चंद्रमा हमारे मन को रूल करता है, तो इसीलिए मन से रिलेटेड जितनी भी बातें होती हैं, हम सोचते हैं, हमारे मन के जो भाव हैं, ये सब चंद्रमा से गवर्न्ड होते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे माइंड को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है चंद्रमा। चंद्रमा उच्च का वृष राशि में होता है और नीच का वृश्चिक राशि में। तो अगर उच्च का चंद्रमा होता है तो उनके भाव भी बड़े, वो लोग बहुत स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि चंद्रमा बहुत ही सेंसिटिव प्लैनेट है, बहुत ही सुंदरता को मानने वाला होता है। तो वैसे लोग बहुत ही सुंदरता को चाहने वाले होते हैं, और उनके भाव भी बड़े अच्छे होते हैं, कोमल हृदय वाले होते हैं वो लोग, और उनका माइंड भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग तो होता है, पर किसी को भी देख के बहुत दयावान हो जाते हैं, बहुत ही द्रवित हो जाते हैं। तो ये सब भाव जो उनके होते हैं वो एकदम, और बहुत जल्दी जल्दी भाव बदल भी जाते हैं, ये नहीं होता है कि स्टेबिलिटी नहीं रहती है, क्योंकि आज कुछ है कल कुछ हो जाएगा, परसों कुछ हो जाएगा। जिस तरह से हम देखते हैं कि चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है, उसी तरह से मन के भाव होते हैं। और अगर जिनका नीच का होता है, या वो किसी प्लैनेट का केवल नीच की राशि में होने से नीच का नहीं हो जाता है, नीच का तब ज़्यादा इफेक्टिव होता है जब उसके ऊपर किसी बुरे प्लैनेट का साथ में इफेक्ट पड़ रहा हो, तो तब ज़्यादा बुरा इफेक्ट देता है। तो जब चंद्रमा बुरा इफेक्ट दे रहा होता है तब वो इंसान ज़्यादा ही डिप्रेशन में आ जाता है। बहुत ही ज़्यादा लोगों को कई बार आप देखेंगे, वो या तो इतना ज़्यादा अपने आप को अकेला कर लेगा, या बहुत ज़्यादा किसी भी बात बात पे रोने लग जाएगा, या कभी बहुत गुस्सेल हो जाता है, अलग अलग से भाव उसके हो जाते हैं, और वो बिना बात के गुस्सा करना, ये सब आना, ये सब हमारे मन के भाव होते हैं जो कि चंद्रमा से गवर्न्ड होते हैं। ये सब चंद्रमा के ही कारण होता है, हमारे मन के भाव होते हैं। तो हमारे ऊपर जो जितने भी भाव होते हैं, इन सब का इफेक्ट चंद्रमा के कारण ही होता है, और बहुत ज़्यादा इफेक्ट हमारे ऊपर चंद्रमा का होता है, इसीलिए चंद्रमा को मन का कारक माना जाता है। चंद्रमा माँ का भी कारक होता है, क्योंकि चंद्र माँ, इसीलिए बचपन में आपने अक्सर सुना होगा लोहड़ी में गाते थे जब सुने को, तो चंदा मामा कहते थे, तो वो मामा इसीलिए उनको कहा जाता था। तो चंद्रमा, क्योंकि वो माँ शब्द जुड़ा हुआ है चंद्र के साथ, माँ, तो माँ की तरह, माँ का वो कारक होता है।
माँ के साथ आपका कैसा अटैचमेंट होगा, माँ के साथ आपका कितना लगाव होगा, माँ आपके से कितने आपके लिए अच्छी होगी, कैसी होगी, उनकी हेल्थ कैसी होगी, वो बहुत सारी चीज़ें माँ से रिलेटेड जो होती है वो आपकी चंद्रमा से देखी जाती है। और माँ के जितने भी अगर अच्छा होता है तो माँ की अगर बीमारी है, ये सब चीज़ें बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं इनफैक्ट जो कि माँ से रिलेटेड हो जाते हैं। और चंद्रमा कहाँ बैठा है, किस घर में बैठा है, कैसे बैठा है, तो बहुत सारे योग होते हैं, उन सबको हमको एनालाइज करना पड़ता है। तो चंद्रमा का वैसे और भी प्लैनेट्स के साथ जब कंजंक्शन होता है तो वो अलग अलग उसका चंद्रमा का इफेक्ट होता है, कहीं उच्च का होता है, कहीं नीच का होता है, कहीं किसी के साथ अच्छा योग बनाता है, कहीं किसी के साथ बुरा योग बनाता है। तो अलग अलग प्लैनेट्स के साथ चंद्रमा का रोल अलग अलग होता है। पर जब चंद्रमा खासतौर से राहु केतु के साथ आता है, यहाँ मैं इस बात का स्पेशली मेंशन करना चाहूँगी, तो वो अच्छा योग नहीं बनाता है, क्योंकि बहुत कम एस्ट्रोलॉजर्स ने इस बात के ऊपर एम्फसाइज किया है। और मैं अपने इस वीडियो में इस बात के ऊपर थोड़ा सा जोर देना चाहूँगी, क्योंकि इस बात को लेकर के मैंने अक्सर देखा है कि बहुत कम मेंशन हुआ है और इस एस्पेक्ट को थोड़ा निग्लेक्ट सा किया गया है कि चंद्र केतु का ये जो योग बनता है या चंद्र राहु का बनता है, ये ग्रहण दोष होता है। और ये जो दोष है ये लाइफ लॉन्ग आपको किसी न किसी रूप में परेशान करता ही रहता है। बेशक यह थोड़ा सा टॉपिक से हट करके एक मैं आपको इस दोष के बारे में बोल रही हूँ, बट यहाँ मैं इसलिए मेंशन करना ज़रूरी समझ रही हूँ क्योंकि इस टॉपिक को अक्सर, जो कि मेरे हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, और अक्सर लोग कालसर दोष और बाकी सब दोषों की बात करते हैं, लेकिन ये जो चंद्रमा का ये एक दोष बनता है इसके बारे में लोग बहुत कम बात करते हैं, जिसका मुझे लगता है कि जिसके बारे में लोगों को बात करनी चाहिए। तो ये एक ऐसा दोष बनता है अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा केतु, जो कि आजकल मैं देखती हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारी कुंडली एनालाइज करी है, मेरे पास अक्सर आती हैं जितनी कुंडली, उसमें 80% आजकल की कुंडलियों में ये दोष पाया जाता है। और इसी कारण कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में आजकल जो डाइवोर्सेस हो रहे हैं और जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि इसके कारण हो रही होती हैं। तो मैंने जो स्टडी किया है उसके हिसाब से ये दोष को निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए और इस दोष के ऊपर लोगों को देखना चाहिए और थोड़ा सजग होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे इस दोष के बारे में मेंशन किया। जबकि आगे मैं इसके बारे में यहाँ पे ज़्यादा बात नहीं करूँगी, क्योंकि इसके बारे में जो कोई भी जानना चाहे वो मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकता है एंड हम डिस्कस कर सकते हैं इसके क्या उपाय हैं और क्या करना चाहिए उसके बारे में भी। अगर कोई मुझसे डिस्कस करना चाहे तो मेरा नंबर आ रहा है स्क्रीन पे, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे जैसा कि मैं बात कर रही थी चंद्रमा के बारे में, तो चंद्रमा जल तत्व है, ये आपने देखा होगा शिव जी के सिर पे विराजमान होता है और वहीं से गंगा जी निकलती हैं, तो गंगा जी निकलती है इसलिए ये जल तत्व प्रधान है। और गंगा जी से वहाँ से निकलता है, आपको सबको पता है चंद्रमा जो है सफ़ेद रंग का होता है, इसीलिए चंद्रमा का या मून का जो कलर होता है ये भी वाइट ही होता है। और हम इसका दिन जो होता है वो सोमवार होता है और इसका जो कलर होता है वो वाइट कलर होता है। इसका जो मोती या जेमस्टोन हमको कहना चाहिए होता है वो मोती है। और इसका जो डायरेक्शन हम मानते हैं
एस्ट्रोलॉजी में वास्तव में वो है नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में हम चंद्रमा का डायरेक्शन माना जाता है। तो ये मैंने आपको मोटी मोटी बातें बताई हैं चंद्रमा के बारे में, क्योंकि बात करने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं चंद्रमा के बारे में, पर मैं बहुत डिटेल में यहाँ पे इस वीडियो में नहीं जाऊँगी। अगला वीडियो लूँगी, शायद उस वीडियो में हम इसके और टॉपिक्स में मैं डिटेल में, अगर जो भी आप लोग जानना चाहेंगे उसके बारे में हम बात करेंगे, इसके उपाय भी। बट यहाँ पे एक छोटा सा उपाय मैं आपको बताना चाहूँगी, जिन जिन को भी आप देख रहे होंगे, अगर आपको डिप्रेशन हो रहा होगा या आपको बहुत सी उदासी रहती होगी, अगर आप लोनलीनेस फील करते होंगे, तो आप ये समझ जाइए कि आपका कहीं ना कहीं चंद्रमा दूषित है। और अगर ऐसा है आपके साथ, आपको डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, एंजाइटी की प्रॉब्लम है आपके साथ, आप अपने आप को अकेला या आपको गुस्सा बहुत आता है, इस तरह की कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप अपना एक चीज़ आप साथ में और नोट करिए कि आपका या तो अमावस के आसपास आपको गुस्सा बहुत आता होगा या आपको पूर्णमासी के आसपास गुस्सा बहुत आता होगा। ये दो चीज़ों में से आप देखिए, अपने आप अपना नोट करिए कि आपको किस टाइम पे गुस्सा ज़्यादा आता है। अगर आप ये नोट करके अपने आप निकाल पाएंगे, क्योंकि ये मैं या कोई भी एस्ट्रोलॉजर निकालने के लिए उसको भी टाइम चाहिए होगा, ये आप स्वयं से अपना अच्छे से निकाल पाएंगे कि आपको किस समय पे ज़्यादा गुस्सा आता है। तो जब आपको पता चले कि आपको गुस्सा ज़्यादा आता है, उस समय पे आप, जैसे आपको सपोज करिए अमावस के आसपास पे आपको गुस्सा 2.5 दिन, खास तौर से मैं कहूँगी या एम्फसाइज करूँ, क्योंकि 2.5 दिन चंद्रमा एक राशि में रहता है, उसके बाद दूसरी राशि में चला जाता है। तो जब वो 2.5 दिन एक राशि में रहता है, तो उन 2.5 दिन में आपको गुस्सा बेहद आएगा। उस 2.5 दिन में आपको लगेगा कि आप ये कर लें, वो कर लें, मे बी सुसाइडल टेंडेंसीज भी आ जाती हैं ऐसे टाइम पे। तो उन 2.5 दिन में आप अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल करिए। आप सोच लीजिए ये सिर्फ 2.5 दिन का टाइम है, निकल जाएगा, कोई बात नहीं, मुझे अपने मन को शांत करना है। अगर आप शांत करना थोड़ा सीख लीजिए, थोड़ा मेडिटेशन करिए, और साथ में कुछ सफ़ेद चीज़ों का दान करिए, जैसे कि पहले हमारे पूर्वज भी करते थे, हमेशा वो बोलते थे कि अमावस के आसपास दान करो और थोड़ा सा सीधा निकाल दो, यानी कि सफ़ेद चीज़ें, आटा, चावल, चीनी, इन सब चीज़ों का दान करो, नमक, हल्दी, ये सब चीज़ों का दान करिए। तो आप या तो अमावस के आसपास अगर आता है तो अमावस के आसपास करिए, अगर आपको लगता है कि नहीं पूर्णिमा के आसपास आपको गुस्सा ज़्यादा आता है, तो आप पूर्णिमा के आसपास दान करना शुरू, जब भी आपको लगता है कि ये दिन मेरे लिए, मुझे इस टाइम पीरियड में गुस्सा ज़्यादा आता है, क्योंकि ये हमारे, इसका हर एक प्राणी के ऊपर, जीव जंतु, आपने देखा होगा कि ज्वार भाटा भी आता है जब पूर्णमासी होती है, तो लोग ल्यूनाटिक हो जाते हैं। सो हर एक चीज़ के ऊपर, ज्वार भाटा भी चंद्रमा जब फुल मून होता है तब आता है, तो जल के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ता है चंद्रमा का। तो हर एक जीव जंतु, इवन पेड़ पौधों के ऊपर भी इसका इफ़ेक्ट होता है, तो सब चीज़ें इससे इफ़ेक्टेड होती हैं। तो जब आपका ऊपर इसका इफ़ेक्ट आ रहा है, आप तब उन चीज़ों का दान करिए थोड़ा सा, देखिए आपको बहुत फ़ायदा होगा। मैं बहुत ज़्यादा स्टोन्स पहनने के ऊपर मैं नहीं रिकमेंड करती हूँ कि आप मोती पहन लीजिए, आपको गुस्सा आता है तो मोती, मैं कहती हूँ नहीं, बिना किसी एस्ट्रोलॉजर की कंसल्टेंसी के कभी भी मोती मत पहनिए, क्योंकि ये मेरा अपना अनुभव है। मैंने देखा है कि अगर उच्च राशि का है या स्वग्रही भी है, तब भी कई बार कई कारणों से वो नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसीलिए बिना किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट किए हुए आपको मोती नहीं पहनना चाहिए। तो इसीलिए किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को अवश्य कंसल्ट करें, बिना उसके आप कुछ भी स्टोन या कुछ भी मत पहनिए।
ये मेरी आप सबसे गुजारिश है कि बिना उसके मत पहनिए कोई भी स्टोन। उसके जगह आप मंत्र जाप ज़रूर कर सकते हैं, मंत्रों का बहुत अच्छा इफ़ेक्ट होता है। तो आप शिव जी का कुछ नहीं तो आप, क्योंकि शिव जी इसको चंद्रमा को अपने सर पे रखते हैं, तो आप शिव जी के मंत्र का जाप कर सकते हैं। कुछ नहीं किसी को आता तो ओम नमः शिवाय से अच्छा और कुछ नहीं है, बट और भी बहुत सारे मंत्र हैं। तो आप कोई भी मंत्र जो आपको आता हो या जो सरल से सरल मंत्र आप कर सकते हो उसका जाप ज़रूर करिए। आशा करती हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और आप इसे अगर पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी ज़रूर करें, और अपने कमेंट्स कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, ताकि आने वाले वीडियोस में मैं आपके सुझाव के अनुरूप ही अपने वीडियोस बना सकूं। धन्यवाद। नमस्कार।